अलीगढ़ में विशेष समुदाय के युवक द्वारा हिंदू लड़की से जबरन निकाह करने का दबाव बनाने का मामला सामने आया है। थाना नगर कोतवाली क्षेत्र के कैलाश गली के रहने वाली एक लड़की के घर विशेष समुदाय का एक युवक आता जाता रहता था, तो वहीं पीड़ित लड़की का आरोप है कि युवक निकाह करने की बात कहता था और धमकी देते हुए कहता था, तूने मेरे साथ निकाह नहीं किया तो तेरे छोटे भाई को जान से मार दूंगा। आरोप है आरोपी युवक लड़की से जबरन निकाह करने के लिए उसके घर से खींच कर ले जाने लगा। इसी की जानकारी मोहल्ले के लोगों को व हिंदूवादी नेताओं को हुई तो लड़की के परिवार को साथ लेकर नगर कोतवाली पहुंच गए और उक्त युवक के खिलाफ नगर कोतवाली में शिकायत की है। तो वहीं पीड़िता की मां ने आरोप लगाते हुए बताया कि आरोपी युवक मेरी बेटी से जबरन निकाह करने की बात कहता था, जब इस बात से मेरी बेटी ने इनकार किया तो वह मेरे परिवार को जान से मारने की धमकी आए दिन देता रहता था। एडवोकेट संजू बजाज, पार्षद सूरज माहौर, योगेश माहौर पीड़ित व मोहल्ले वासियों के साथ परकोट कोतवाली पहुंच गए, जहां पीड़िता की तरफ से तहरीर लिखकर मुकदमा दर्ज कर कठोर कानूनी कार्यवाही की बात कही। क्षेत्र अधिकारी प्रथम ने बताया कि एक युवक द्वारा युवती पर शादी का दबाव बनाया जा रहा है, संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। आरोपी युवक को पुलिस हिरासत में लेकर वैधानिक कार्यवाही प्रचलित की गई है। क्या मामला है कोतवाली का? देखिए, मामला कहीं ना कहीं दो समुदायों से जुड़ा हुआ मामला है, मुझे सूचना मिली है, हम लोग आए हैं। मामला इस प्रकार का है कि मोहम्मद तनुज नाम का लड़का जो कि थाना दिल्ली गेट के कैलाश गली में रहता है, वो हड्डी गोदाम चौराहा जो है वहाँ पर वहाँ की निवासी एक बेटी है उसके घर पर आता जाता था काफ़ी दिनों से और उस पर शादी का दबाव बनाता था। उसके लड़की के पिता हैं नहीं, माँ है, माँ को पता नहीं था। वो लगातार ये कहता था कि मैं शादी तुझसे ही करूँगा वरना तुझे तेरे भाई को, भाई है उसका छोटा, उसे जान से मारने की धमकी भी देता था। लगातार काफ़ी समय ये बीत जाने के बाद में आज सुबह वो घर पर आया और घर से खींच कर ले जाने लगा कि मैं तुझे आज तुझसे मुझे निकाह करना है। शायद हो सकता है कि धर्म परिवर्तन का भी कोई प्रकरण रहा हो। अभी हम लड़की के पीड़ित परिवार के साथ में यहाँ थाना कोतवाली पहुँचे हैं, तहरीर देके मुकदमा दर्ज कराने की हम लोगों ने मांग की है। ऐसे व्यक्ति पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। जो मोहम्मद तनुज है उसे गिरफ्तार कर लिया गया है, बाकी कठोर कार्रवाई की जाएगी ऐसा आश्वासन हमको यहाँ पर थाने से मिला है। FIR दर्ज हो रही है, तहरीर अभी लिख कर दी है। सर क्या मामला है? ये पब्लिक कोतवाली आई है, थाना कोतवाली पर कुछ लोग एकत्रित होकर के आए थे और ये कोतवाली के कैलाश गली क्षेत्र के रहने वाले हैं। उनके द्वारा ये बताया गया कि एक युवक द्वारा युवती पर दबाव बनाया जा रहा था शादी का, जिस संबंध में युवती की माँ द्वारा तहरीर दी गई है कि उनकी बेटी पर एक युवक द्वारा दबाव बनाया जा रहा था कि वो उससे जबरन शादी कर ले। इस संबंध में उनके द्वारा जो तहरीर दी गई है उस पर अभियोग पंजीकृत थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत किया जा रहा है तथा आरोपी युवक को पुलिस हिरासत में ले लिया गया है और अन्य आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। क्या विशेष समुदाय से है युवक? दोनों अलग समुदाय से।